नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आप सबका मोहित टेक्निकल साइट पे। आज मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो है ना उसकी तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है आप सबके लिए। जो अक्टूबर वाले सेशन वाले एग्जाम वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है जो है ना उसकी तरफ से आ रही है। पूरी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखते रहना, स्किप मत करना। अगर स्किप करेंगे तो वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उन तक भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे और वीडियो को भी लाइक कर दे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखते रहे। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो एनएस की तरफ से आ रही है, अपडेट आ रही है कि जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर के बीच में, उसके लिए काफी बड़ी अपडेट है। कि जैसे कि आपको पता है कि अभी आपकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी खराब हो रही है, काफी सारे स्टेट्स में सिचुएशन फिर से खराब होती जा रही है, तो उससे रिलेटेड जो है एनआईएस की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है तो जो कि मैं आपको देने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं तो जैसे कि आप सब यहां पर देख पा रहे हैं कि जो एनआईएस की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उसमें जो लिखा गया था जो आपको जो टीएमए है वो आपको 31 अगस्त से पहले पहले आपको सबमिट कर देना है। तो जो अक्टूबर सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपना टीएमए जो है 31 अगस्त से पहले सबमिट करना है। तो 31 अगस्त को पहले सबमिट करने से मेरा मतलब ये है कि जो एनआईएस की तरफ से जो अपडेट आई है कि अगर जैसे सिचुएशन फिर से खराब होती है, जैसे कि जून वालों को प्रमोशन मिला है आपके टीएमए के बेसिस पे, तो उन चीजों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर ले। मतलब कि जैसे कि आपकी अभी टीएमए की इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट डेट दिखा रहा हूँ जो नोटिफिकेशन एनओएस की तरफ से रिलीज किया गया है, उससे पहले पहले अपना टीएमए बना लीजिए और टीएमए बनाने के बाद उसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको जैसे कि पता है आपको रिसिप्ट भी मिलेगी, तो आप रिसिप्ट जरूर से लीजिए ताकि आपको जो है प्रूफ आपके साथ रहे। उसके कुछ टाइम बाद आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके डैशबोर्ड में जाकर आपके जो टीएमए के मार्क्स है वो अपडेट कर दिए जाएंगे। इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी जो एनओएस ने दी है कि आप जल्द से जल्द अपना टीएमए है वो जरूर से सबमिट करें अगर आपको फेल नहीं होना है, नहीं तो आपको जो है प्रमोशन नहीं मिल पाएगा, आपको जो है फेल कर दिया जाएगा। अगर सिचुएशन ठीक ठाक रही तो आपके जो टीएमए के मार्क्स हैं आपके रिजल्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। अगर आप जो है एग्जाम देने जाते हैं रिटर्न एग्जाम जो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा उसके लिए भी आपका टीएमए सबमिट होना बहुत जरूरी है, तो अपना टीएमए जल्द से जल्द जो है 31 अगस्त से पहले पहले जरूर से सबमिट करें। अगली चीज मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप सब यहां पर देख पा रहे हैं जो दूसरा नोटिफिकेशन जो है ना उसकी तरफ से रिलीज किया गया था जो आपकी एग्जाम फीस से रिलेटेड था, तो आपके एग्जाम फीस की लास्ट डेट वैसे इसमें 16 अगस्त है लास्ट डेट, जो कि आपको बिना लेट फीस के भरनी है। अगर आप चाहेंगे कि आपकी जो लेट फीस लगे, मतलब अगर आप लेट करेंगे थोड़ा सा, तो आपकी 100 रुपीज पर सब्जेक्ट आपकी लेट फीस लग जाएगी। वो भी डेट ज़्यादा नहीं है, वो 26 अगस्त तक आपकी चलेगी। अगर आप उससे भी ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो उसके बाद आपके जो है 1500 पर जो लर्नर है, मतलब हर एक बच्चे पे 1500 रुपये जो आपकी लेट फीस लगने वाली है आपकी एग्जाम फीस से रिलेटेड, वो जो डेट रहेगी आपकी 6 सितंबर तक आखिरी डेट रहेगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी बच्चा जो अपनी एग्जाम फीस भर रहा है अक्टूबर सेशन के लिए, अपना टीएमए सबमिट कर रहा है ताकि वो लेट ना हो, और लेट हो गए तो उनके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उनके प्रमोशन से रिलेटेड और अपने एग्जाम देने से रिलेटेड। जो एनएस की तरफ से अपडेट आ रही है कि अगर उन्होंने एग्जाम फीस नहीं भरी, अपना टीएमए सबमिट नहीं करा टाइम से, तो उनको जो है प्रमोशन तो क्या उनको जो है फेल कर दिया जाएगा। तो क्योंकि अगर प्रमोशन के चांसेस बनते हैं, जैसे पिछली बार जून के एग्जाम्स के लिए बने कि अगर आपकी सिचुएशन खराब होती है तो आपके लिए प्रमोशन के चांसेस है, अगर नहीं होती है खराब तो सीधा सीधा आपके जो एग्जाम्स होंगे उसके लिए भी आपको जो एग्जामिनेशन फीस और अपना टीएमए सबमिट करना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम फीस सबमिट करेंगे तभी आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा और आप एडमिट कार्ड के थ्रू अपना एग्जाम जो है देने जा पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी एनओएस की तरफ से जो अभी जो है ना उसकी तरफ से रिलीज की गई है। तो मैं आपको चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।